आई एम फार्मडी स्टूडेंट. फॉर अस स्टेथोस्कोप इज नॉट यूजिंग एट प्रैक्टिस टाइम. आप हॉस्पिटल जाते हो तो यू हैव टू कैरी स्टेथोस्कोप. ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बट मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ. आज सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए. लगता है तो टेंशन में आ गया है फार्मडी सुनते. फार्मडी के लिए होती है टेंशन. हेलो सर, आपको इंसुलिन की बीमारी है तो आप डायबिटीज लेते हो कि? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डीआरएक्स व्लॉग्स. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ. अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे आरआईसी रिसर्च सेल. हमारी जो ये जनरल मेडिसिन मेल में जो पोस्टिंग है, ये हमारी लास्ट पोस्टिंग है आई गेस. उसके बाद हमारे पेपर्स आ जाएंगे. और बात ये हो रही है कि अप्रैल मिड में शुरू हो जाएंगे और मई तक खत्म हो जाएंगे. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. अच्छा है जल्दी से खत्म हो जाए. तीन एग्जाम है हमारे तो. पहली बार एक्साइटमेंट एग्जाम से. पहली बार हमेशा बहुत डर रहता था कि 6 एग्जाम है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा. बट अभी अच्छा लग रहा है. और फाइनली फिर फैमिली का ये सफर ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएगा. सिर्फ 10% रहेगा जो इंटर्नशिप का रहेगा. उसपे कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. तो प्रज्ञा भी गई हुई है पार्सल लेने के लिए, क्योंकि पार्किंग में ही पार्सल वाले भैया आते हैं और वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं आजकल. तो बहुत सारी बुक्स हम मंगवा रहे हैं धीरे धीरे करके. हर मंथ टारगेट रखते हैं कुछ बुक्स मंगवाने का, जिससे कि एक छोटी सी लाइब्रेरी हमारी बनती रहे, मिनी लाइब्रेरी. तो उसी में आज कुछ बुक्स और ऐड होंगी, दिखाएंगे होप सो कौन सी बुक्स हैं, कैसी बुक्स हैं. ये लो रिलेश. और किसी से नहीं आया? अमेज़न से नहीं आया? नहीं, वो चेक कर लो मेरे फ़ोन में. अमेज़न से है कि नहीं डिलीवरी आज की? सो प्रज्ञा बहुत भोली बच्ची है भाई. उसको लगा सिर्फ एक ही पार्सल, ये नहीं पता इतने सारे पार्सल और भी हैं. मुझे सिर्फ नीलेश ने बोला कि एक पार्सल है, क्योंकि एक हमारे मतलब अमेज़न से ही आते हैं पार्सल. बट अमेज़न से भी कभी कभी कोई एक्सप्रेस बीच में चला जाता है, कोई डिलीवरी वाले से आ जाता है. तो प्रज्ञा को लगा कि डिलीवरी वाले से आया है. तो हाँ, कोई पोस्ट के थ्रू भी आता है, स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस. तो अभी सारी किताबें मंगवाई हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी किताबें हैं. एक्साइटेड. सो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए. प्रज्ञा ने आज बहुत पेशेंट्स को कॉल किया. हेलो सर, नमस्कार, हम निम्स हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं. फील हुआ कैसे? और तो ऐसा हो गया था कि मैंने बोला एक पेशेंट को कि हेलो सर, आपको इंसुलिन की बीमारी है तो आप डायबिटीज लेते हो कि लेते अब समझ में आया कि रोज पेशेंट से कॉल करना कितना हार्ड होता है. और कुछ कुछ पेशेंट तो रिस्पॉन्ड, मतलब उनसे ना बात करते पता चलता है कि हाँ रिस्पॉन्ड नहीं आने वाला, बट फिर भी अपने मकस तो मारना जरूरी होता है ना. और वो तो सुना के जाते उल्टा, कितना ऐसा हॉस्पिटल है, वैसा हॉस्पिटल है, ये वो फलान ढिकान. कॉल किया, वो पेशेंट की डिस्कस चल रहा था कि वो पेशेंट आया था पेट दर्द के लिए, उसको डायबिटीज बता दिया और लिखा उसमें 10 साल से उसको. हमने लंच कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं रूम पे. तो कुछ हैबिट हमने फॉर्म करे हैं, जैसे कि सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक हम लोग कॉलेज में रहेंगे, आरआईसी में और हॉस्पिटल में. वहाँ पे जो भी काम होगा वो करेंगे. उसके बाद अगर 2 से लेकर 5 बजे तक या 4 बजे तक क्लासेस नहीं है तो हम रूम पर आके अपनी पढ़ाई करेंगे. जैसे कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, जैसे रीनल उठा लिया, GIT उठा लिया, तो उसको प्रॉपर पढ़ना शुरू करेंगे. फिर पैथोलॉजी, देन उसके बाद फार्माकोलॉजी, फिर थेरापेटिक्स, फिर टॉक्सिकोलॉजी. तो अभी मैं आ चुका हूँ रूम पर. जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग 2 से लेकर 5 बजे तक या 6 बजे तक पढ़ते हैं अपना, क्योंकि एक टेंशन है दिमाग में कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, अच्छे लेवल पे लेके जाना है, हर चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे वो रिसर्च हो या फिर वो क्या कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, क्योंकि उसमें भी हमको अच्छे से हमें फार्माकोलॉजी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए. तो उसी के लिए अभी हम लोग ये टाइम जो है उसको डेडिकेट करते हैं. इस चीज़ को टाइम देने से हमको समझ में आएगा कि क्योंकि दोनों फील्ड इंटरलिंक्ड हैं, क्लिनिकल रिसर्च भी और CP भी. अगर जैसे कि मैं CP की जॉब कर रहा हूँ और मैंने उसमें कुछ चीज़ नोटिस करी, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक ADR दिखा कोई,
तो मैं उस ADR पे केस स्टडी भी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को राइटिंग भी आनी चाहिए। तो फॉर दैट आई नो द सिस्टम की कैसे एक चीज़ लिखी जाती है, फॉर्मेट क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, तो दीज आर ऑल द थिंग्स। और बहुत सारे पार्सल आ रखे हैं, अभी थोड़ी देर में इनको भी खोलूँगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और हमने एक नई चीज़ शुरू करी है सवाल शनिवार करके, जिसमें आप लोग आते हो, अच्छा लगता है, तो आप आया करो। इस बार शायद नहीं हो पाया है क्योंकि कहीं जाना है, बताऊंगा उस बारे में भी बाद में, तो शायद उससे पहले कर लूँगा या फिर आने के बाद करूँगा, तो करूँगा ज़रूर। और ये बुक्स कौन सी है वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को, तो स्टे ट्यून्ड। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, रात को मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों थोड़ा फीवर सा आ गया था, तो अभी मैं कॉलेज आज नहीं आया हूँ, बस आया था पार्सल लेने के लिए। तो ये सारे कुछ पार्सल्स आए हैं और बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, उनको बताता हूँ, जिन लोगों को ये कॉलेज में आना होता है NIMS में, उनको मैं गाइड भी करता हूँ, तो उसमें से एक आज लड़का आया हुआ है और बहुत अच्छा लड़का है, तो उससे मिलने जा रहा हूँ अभी मैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बट मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ, आज सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। सामने नहीं हो सकती कॉलेज के, ठीक है, इसलिए तेरे को मैं बुला रहा था बाहर। और भैया कैसे लगता है, टेंशन में आ गया है फॉर्म डी सुन से। फॉर्म डी के लिए होती है टेंशन, 2 साल हो गए मेरे को स्टडी बंद किए हुए, इसलिए अब समस्या आ रही है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको बताना, चीज़ों को समझाना कोई छोटी बात नहीं होती है, बट आई एम ग्लैड कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मेरी बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा है, फटाफट रूम जाता हूँ मैं और थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और मैं देखा कि मैंने बोला था कि मैं कमेंट्स के आंसर करूँगा, तो करते हैं शुरू। सबसे पहला कमेंट है सहाना व्लॉग्स का, आई एम फार्म डी स्टूडेंट, फॉर अस स्टेथोस्कोप इज नॉट यूजिंग एट प्रैक्टिस टाइम। तो स्टेथो जो हम यूज़ करते हैं जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा जो काम है वो पेशेंट से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, पेशेंट केयर है, और उस सब में हमको ज़रूरत पड़ती है फॉर BP मेजरिंग, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, हमको हार्ट बीट चेक करनी होती है, तो वो सब चीज़ों में जो है वो बहुत काम आता है। तो अगर यूज़ नहीं करने दे रहा है कोई, तो आप बोल सकते हो कि हमारा राइट है ये, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि फार्मडी विल नॉट यूज़ स्टेथोस्कोप, तो आप उनसे बोल सकते हो। तो यूज़ करना, यूज़ करोगे जब भी आप सीखोगे, तो यूज़ करना शुरू करो अभी से ही, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में हो, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो यू हैव टू कैरी स्टेथो। क्वेश्चन है हीमा का, इज़ देयर कैलकुलेशन और फिजिक्स इन सब्जेक्ट ऑफ फार्मडी। तो फार्मडी में फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स आती है, फिजिक्स तो नहीं है, और फोर्थ ईयर में आती है बायोस्टैट्स, जो दोनों ही मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिसर्च में जाते हो तो, क्योंकि आपको स्टैट्स वगैरह आने चाहिए, समझ में आना चाहिए, और भी इसलिए ज़रूरी है इन हॉस्पिटल डोज कैलकुलेशन पीडियाट्रिक्स में आपको करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज वगैरह और मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं बट हाँ स्ट्रांग तो होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ दिनों में कहीं पर, उसका भी मैं एक बनाऊंगा अच्छे से व्लॉग कि क्यों जा रहे हैं, क्या काम है। अभी मैं इतनी सब चीज़ें बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक सब कन्फ्यूजन चल रहा है, एक बार ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, आज सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो अगले व्लॉग में होप सो कुछ बढ़िया देखने को मिले आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और आसपास सफाई रखें, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सो बाय गाइस।